गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह विवेकानंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के आए हैं, है ना। और अच्छे अच्छे सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही आसानी तरीके से बनाना सिखाएंगे, तो आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह से, एक फॉर्मूला आपको हम बताना चाहते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या रहे, जीरो रहे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या रहे, जीरो, देन एक फॉर्मूला होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रहेगा तब वो फॉर्मूला काम करेगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3ABC। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे आधारित है। एक है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, देन फाइंड, तब वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है किसका, तो देन फाइंड किसको निकालना है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका क्या निकालना है जी, ये टोटल का वैल्यू निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, टोटल का जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक बार यहाँ लिखिए भाई, तो ए स्क्वायर बाई क्या हो गया बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई क्या हो गया ए बी। अब ये देखिए फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का क्या है, एडिशन है, तो फ्रैक्शन का एडिशन है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो तीनों के डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, तीनों के डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा जी, एलसीएम, और तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेंगे भाई, अलजेब्रा का एलसीएम लेने नहीं आता है, तो अलजेब्रा का एलसीएम लेने की बारी आए, तो कुछ ऐसा चीज़ एलसीएम लीजिए जो कम से कम रहे और इसके डिनोमिनेटर से भी कट जाए, इसके डिनोमिनेटर से भी कट जाए और इसके डिनोमिनेटर से भी कट जाए, तो इसमें ए बी है, किसी में बी सी है, किसी में सी ए, यानी घुमा फिरा के ए बी सी के अलावा कोई और है नहीं, तो हमको लगता है एलसीएम ले लेना चाहिए ए बी सी। देखिए बी सी से डिवाइड करिएगा तब पर भी कटेगा, सी ए से करिएगा तब पर भी कटेगा, ए बी से डिवाइड करिएगा तब पर भी कटेगा। तो चलो अब करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन का नियम क्या होता है कि जो एलसीएम होता है उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो बीसी है तो बीसी से डिवाइड करेंगे तो बीसी तो कट जाएगा लेकिन ए बचेगा, और ए ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में ऑलरेडी पहले से ए स्क्वायर है और एक ए से और गुना होगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस, फिर उसी तरह से सी ए, तो सी और ए कट जाएगा क्या बचेगा बी, और ऊपर में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, और प्लस ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा क्या बचेगा सी, और ऊपर में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो क्या हो जाएगा सी क्यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अब बहुत ही आसान होने वाला है, ये ए बी सी हो गया और ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो अभी ना फॉर्मूला बोल रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है जी, 3ABC होता है, क्या होता है 3ABC होता है। अब ABC से ABC कट गया क्या बच गया 3 बच गया, क्या बच गया जी 3। देखिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल गया कितना 3। अब अगला क्वेश्चन कुछ इसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो देखिए इसी फॉर्मूला पे आधारित है तो उसको कैसे बनाएंगे, है ना, तो उसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 है, कहेंगे सर 110 पहले बताए उसके बाद 109 बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही फॉर्मूला पे आधारित है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 100 आपको 9 बताने जा रहे हैं, 109, तो 109 क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू अपोन क्या है 9 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये एक क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है, तो ये बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें भी ये याद रखना कि यहाँ पर a माइनस बी को a समझो, b माइनस सी को b समझो, और c माइनस ए को क्या समझो c से समझो, तो ये क्या हो गया, अगर इतना टोटल को एक समझे a माइनस बी को एक समझे तो ये a का क्यू फिर b का क्यू फिर c का क्यू के रूप में है, तो यहाँ पर a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू बराबर 3ABC होता है, कब
जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो अभी पिछले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बता दिया था, लेकिन इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बताया नहीं है। तो जब नहीं बताया है तो यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आता भी है या नहीं आता है ना। तो हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए हम किसको, ए तो ए समझ रहे हैं किसको जी, ए माइनस बी को। बी किसको समझ रहे हैं जी, बी माइनस सी को। और सी किसको समझ रहे हैं, सी माइनस ए को। अब इसको ये तीनों को ऐड करके देखते हैं, अगर जीरो आ जाता है तब तो फार्मूला लगा देंगे, अगर जीरो नहीं आएगा तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखो प्लस बी माइनस बी समाप्त हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी समाप्त हो जाएगा, और माइनस ए प्लस ए समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी चेक करिए किए तो कितना आया जी, जीरो। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे तो कुछ नहीं करने वाले, नीचे 9 इंटू ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, नीचे कुछ भी करने वाले नहीं। लेकिन ऊपर में एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, और a प्लस बी प्लस सी को चेक किए तो जीरो आ रहा है। तो जब जीरो आ रहा है तो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हमें क्या पुट करना चाहिए, थ्री ए बी सी। तो थ्री, और a किसको समझ रहे हैं, a माइनस बी को। b किसको समझ रहे हैं, b माइनस सी को। और c किसको समझ रहे हैं, c माइनस ए को। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, b माइनस सी से b माइनस सी कट गया, c माइनस ए से c माइनस ए कट गया। तो अब क्या बच गया जी, तो अब बच गया 3/9, और 3/9 कट के क्या बचेगा, 1/3। क्या आएगा, 1/3। देखिए इसका जवाब मिल गया, कितना जवाब आया जी, 1/3 आया। तो देखिए देखने में क्वेश्चन लग रहा था डिफिकल्ट, लेकिन जवाब कितना सिंपल आया, और कितने आसानी तरीके से कितने समय में ये कम समय में बन गया है ना। तो आप लोग भी जो है इस तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जैसे क्या है 45 to the power 62 है, फिर इंटू 45 to the power -60 है, इसको इवेल्युएट करना है भाई, बहुत ही सिंपल है। कहिए कैसे सर, आप बचपन में याद किए होंगे वो फॉर्मूला a^m (a^n), जब बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो a^p क्या हो जाएगा, m+n। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का बेस सेम है, 45 और मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 45 to the power क्या हो जाएगा, तो इसका 62 प्लस इसका पावर कितना है जी, -60 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 45 to the power 62, और ये प्लस माइनस -60, यानी 45 to the power कितना हो गया, 2। और 45 to the power 2 को हम लिख सकते हैं 20 25। कैलकुलेट करिएगा, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20 25 होता है ना। तो इससे बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बना दिया। अब चलते हैं आगे का, कुछ और भी क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, 999/98/99 / 99 ऐसा है, और इसको हमें सोल्व करना है, इसका इवेल्युएशन करना है। एक बात आप लोग से हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे 2^4/7 लिखा हुआ है, 2^4/7, तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना तो 2+4/7 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होल में चीज़ है तो उसको प्लस में तोड़ने पे उस पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी होल तोड़िए तो इतना ही आएगा, 7 2 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18/7 हो जाएगा। तो इधर भी 7 2 14 + 4 18/7 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर कोई चीज़ होल में है तो उसको प्लस में आप तोड़ सकते हो, है ना, होल वाला पार्ट को अलग से और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग से। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी प्रकार से है, 999/98/99, तो 999+98/99 ये टूट गया, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये जो टोटल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 99। अब 99 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 99/99 में मल्टीप्लाई हो गया 99, और उसके बाद फिर प्लस 98/99 में भी मल्टीप्लाई हो गया 99, 99 से 99 कट गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये
999 इनटू इसको 99 को 100 माइनस 1 लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और प्लस ये 98 रहने दीजिए। अब एक बार कितना से होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 999 पे डबल जीरो और माइनस 999 और प्लस 98 हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए भैया, यहाँ पर ऐड करिएगा तो 999 पे 98 हो जाएगा और माइनस 999, अब घटा दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप लोग इस बात का टेंशन ना लें कि ये सब क्वेश्चन देखने में अगर आपको डिफिकल्ट लगता है कि लंबा कैलकुलेशन जाने वाला, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए कि क्या किसी पैटर्न पर आधारित है, कोई आइडिया है जिससे हम इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यानी कि लंबा क्वेश्चन देखिए तो आपने को हैरस कर लिया है ना, डिप्रेशन में चले गए भाई, ये लंबा क्वेश्चन है, ये मेरे से कैसे बनेगा। सब आप बना सकते हैं, यू कैन डू इट, है ना। अब चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन है ये 115 में एक क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि 999 होल 1/7, फिर 999 होल 2/7, फिर 999 होल 3/7, फिर 999 होल 4/7, फिर 999 होल 5/7, फिर प्लस क्या है 999 होल 6/7। और इसका हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। नहीं, 999 होल 1/7, 999 होल 2/7, 999 होल 3/7 इस तरह से है, और इसको हमें क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो अभी बोल रहे थे कि कोई चीज़ अगर होल में मान ले 99 होल 1/7 है, तो इसको तोड़ करके हम 9999 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर इसको आप सभी को क्या करिए, ब्रेकआउट करिए। तो ब्रेकआउट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 999 प्लस 1/7, फिर दूसरा टूटेगा तो 999 प्लस 2/7, फिर तीसरा टूटेगा तो 999 प्लस 3/7, फिर चौथा टूटेगा तो 999 प्लस 4/7, फिर प्लस 999 प्लस 6/7, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 999 प्लस 5/7 था, और वो हो गया 6/7। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो 999 देखिए कितने बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 999 प्लस में है लेकिन कितने टाइम्स है, 6 टाइम। तो कोई चीज़ को, सेम चीज़ को 6 बार जोड़ने से बढ़िया कि उसको 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कोई चीज़ मान ले जाए 15, 11 बार आपको जोड़ना है, तो उससे बढ़िया 15 को 11 से मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दो, है ना। तो उसी तरह से 999 6 टाइम्स ऐड करना है, तो आप क्या करें, 999 को 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, फिर बाकी बच जाएगा क्या चीज़, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। भाई 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 9, 9, 6 = 54 का 4, बाकी हाथ में 5, फिर 54, 5, 59, और ये हो गया 59 प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये सारे फ्रैक्शंस हैं और सभी के डिनोमिनेटर 7, 7 है, तो 7, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, और जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर नॉर्मली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5, 9, 9, 4, और प्लस ये करोगे तो 21 y कितना हो जाएगा, 7, तो यानी क्या हो जाएगा, 5, 9, 9, 4 और प्लस 3 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 5, 9, 9, 7 आ जाएगा, 5, 9, 9 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन लग रहा था और उसको कितने आसानी तरीके से आप बना लिए, है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अगर कहीं पर ऐसा रहा तो इसका जवाब आप जो है ना ओरली भी दे सकते हो, एकदम थोड़ा सा फ्यू सेकंड में आप बना सकते हो। हमको तो समझाना था तब इतना लंबा टाइम लिए, आपको बनाना रहेगा तो आप बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हो, है ना। और ऐसे भी आप लोग तो शेर हो, आप लोग पे बहुत प्राउड फील करते हैं हम, है ना, ये सब चीज़ तो आपको वाकिफ ही है। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है जी, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, एक क्वेश्चन 116 में है जो देखने में लगता है बच्चों को डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान। 1 - 1/2 ब्रैकेट, फिर प्लस उसके बाद 1/2 - 1/3 है, फिर प्लस 1/3 - 1/4 है, फिर प्लस 1/4 - 1/5 है,
फिर प्लस इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद प्लस कितना है 1/9 माइनस 1/10 है, और इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो सारे चीज़ प्लस में है, सारे चीज़ क्या चीज़ में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, प्लस में ब्रैकेट रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस ।, उसी तरह से प्लस 1/9 माइनस 1/10। तो देखिए क्या हो रहा है, पहला का लास्ट और दूसरा का फर्स्ट ये समाप्त हो रहा है, फिर देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट समाप्त हो रहा है, इसी तरह से ये समाप्त होते चल जाएगा और 1/9 तक समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी, इसमें बचेगा 1 और लास्ट में बच रहा है माइनस 1/10। तो 1 माइनस 1/10 कितना हो गया, 9/10। देखिए देखने में क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा था कि लॉन्ग डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसानी तरीके से इसको सोल्व कर लिया और एकदम सिंपल सा आंसर आया, कितना 9/10। क्या आंसर आया जी, 9/10। तो आप ऐसे ऐसे लंबे क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। और चलिए और भी क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं हम। एक क्वेश्चन है 117 में 2/3 मल्टीप्लाइड, और न्यूमरेटर में फिर यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 1/4। अब इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, होल तोड़ने का करते हैं। तो ये 2/3 हो गया मल्टीप्लाइड बाई, और ये 3, ये 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ, और सबसे पहला काम होल तोड़ेंगे तो ये 5/ कितना हो जाएगा, 4। और अगला लाइन में क्या होगा, इस ऑफ का वर्क होगा, तो बाकी सब जैसे उसे रहने दीजिए। 2/3 मल्टीप्लाइड और यहाँ पर 3, और ये हो गया 5/6 डिवाइडेड बाई, और इसको कैलकुलेट करिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5/6 हो गया। अब देखिए अगला लाइन में डिवाइड का काम होगा, तो 5/6 को 5/6 डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाइड 3/1 हो गया, अब 3 कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा था, जवाब कितना सिंपल आया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोग घबराएं नहीं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन होता है, आप उसमें देखिए आपको ऐसे बताए हैं ऐसा वाला क्वेश्चन कि चेनिंग वाला फ्रैक्शन, कैसा वाला फ्रैक्शन, चेनिंग वाला फ्रैक्शन हो गया। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 1 क्वेश्चन नंबर आपको 122 समझाना चाह रहे हैं। जैसे हो गया 1/4 प्लस 4+1/3 प्लस 1/4/5 ऐसा है, और इसको सोल्व करना है। तो यहाँ इसमें क्या है, चेनिंग वाला फ्रैक्शन है, तो चेनिंग वाला फ्रैक्शन है तो उसमें नीचे से डील करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे, लेकिन बाकी सब जैसे है वैसे नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1+4/5 को ऐड करोगे तो 9/5 आएगा, और ये 5 नीचे का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो जाएगा, 5/9 हो गया। अब क्या होगा, फिर नीचे वाला वर्क होगा, तो नीचे वाला वर्क करिए, बाकी सब जैसे वैसे नोट कर दीजिए। तो 1/4 प्लस 1/, और इसको ऐड करिए तो 9 3 जा 27 प्लस 5 32/ कितना आएगा, 9 आएगा। फिर नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो 1/4 प्लस, और उसके बाद आ जाएगा 9/32 आएगा। अब उसके बाद ये दोनों का काम होगा, बाकी सब जैसे वैसे रहेगा। तो 1/, और इसका कैलकुलेशन करिए तो 32/4 जा होता 128, और 128 प्लस 9 137/32 हो गया। अब नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 32/137। तो ऐसा चेनिंग वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसका नीचे से वर्क करना शुरू करते हैं। कहाँ से वर्क करना शुरू करते हैं जी, नीचे वाले कम्बिनेशन से वर्क करना शुरू करते हैं, और उसके बाद उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और ऐसा क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो
अब जो है देखिए दो क्वेश्चन और हम बताएंगे चेनिंग वाला, है ना। तो इसमें भी वर्क कहाँ से होगा जी, पहले नीचे से होगा, तो इसका वर्क करेंगे तो बाकी सब जैसे है वैसे नोट करेंगे। वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई, और वन प्लस वन बाई थ्री को ऐड करेंगे तो ये फोर बाई थ्री आएगा। तो थ्री नीचे का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर किस में, इस वन में मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री वन जा कितना ये हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो ये थ्री बाई फोर होगा। अब क्या होगा, यहाँ का वर्क होगा, बाकी सब जैसे उसे रहेगा। तो वन प्लस वन बाई, और वन प्लस थ्री बाई फोर करेंगे तो ये आएगा सेवन बाई फोर, फोर ऊपर चला जाएगा, तो वन प्लस फोर बाई कितना आएगा सेवन, और इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा इलेवन बाई सेवन, और होल में तोड़िएगा तो वन होल फोर बाई सेवन आएगा, है ना। तो देखिए ये बन गया, और ये क्वेश्चन को भी आप बनाना चाहते हैं तो इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम लोग को नीचे से चलना है, कहाँ से चलना है, नीचे से। ये टू हो गया, फिर टू प्लस टू बाई, यहाँ पर कितना है थ्री प्लस टू, और इसका काम करेंगे कितना ये था जी, थ्री प्लस टू बाई थ्री, तो इसका वर्क करेंगे, बाकी सब जैसे है वैसे रहने देंगे, है ना। तो इसका वर्क करिए तो यहाँ पर थ्री थ्री या नाइन प्लस टू एलेवन बाई कितना आ जाएगा थ्री, थ्री ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, तो ये सिक्स बाई क्या हो गया इलेवन। अब इसका वर्क करेंगे बाकी सब जैसे है वैसे रहने देंगे, तो टू बाई टू प्लस और टू बाई, और उसके बाद जीरो पॉइंट कितना है थ्री नाइन, और इसको ऐड करेंगे तो थ्री प्लस सिक्स बाई एलेवन, तो आ जाएगा थर्टी नाइन बाई एलेवन, तो इलेवन ऊपर चला जाएगा। ये इलेवन किधर चला जाएगा, ऊपर, तो इलेवन ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इलेवन हो जाएगा ऊपर। अब ये पॉइंट हटाओ, बटा में कितना जाएगा जी हंड्रेड, थर्टी नाइन से थर्टी नाइन कट गया, तो अब कितना बच गया जी, तो अब बच गया टू अपॉन टू प्लस, और उसके बाद कितना ये हो गया ट्वेंटी टू, या ऐसे काट देंगे टू से तो फिफ्टी आ जाएगा, टू से इसको काट देते हैं फिफ्टी, तो इलेवन बाई कितना हो गया जी फिफ्टी हो गया। अब कैलकुलेट करिए, देखिए इधर कैलकुलेट करके लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नीचे वाला को कैलकुलेट करोगे टू प्लस इलेवन बाई फिफ्टी, तो आ जाएगा टू अपॉन, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वन हंड्रेड इलेवन बाई फिफ्टी आएगा। फिफ्टी नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हंड्रेड बाई वन हंड्रेड इलेवन आ गया, बस बन गया, और क्या, बहुत ही सिंपल है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को, ये चेनिंग वाले जो आते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डिफिकल्ट समझने का गलती ना करें। तो आज जो है आप लोग का यहीं तक पढ़ाई होगा, तो आगे का देखिए आपको होमवर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182, 126, क्वेश्चन नंबर 100 होमवर्क। होमवर्क आपको क्या मिल रहा है जी, असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 182 कितना 126, 108 से लेकर के 126 तक ये सारे क्वेश्चंस बनाना है, वो भी बढ़िया से फेयर राइटिंग के साथ, और कॉपी को गंदा नहीं करना, और सभी का होमवर्क मेरे पास आना चाहिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो होमवर्क के लिए, उस पर आना चाहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और आप लोग मन से पढ़ाई करें।